मैं संध्या, आज मैं आप लोगों के लिए स्किन रूटीन के बारे में बताने आई हूँ। और ये स्किन रूटीन बहुत ही अच्छे है, आपके घर के सामान से ये स्किन रूटीन बन जाएगा और बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन अगर मैं ये भी कह दूँ कि ये अगर आपको फायदा नहीं करता तो नहीं लगाइएगा, अगर फायदा करता तो जरूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन आप एक बार लगाओगे और आपको फायदा नहीं कर रहा है तो नुकसान भी नहीं करेगा, जैसा मैं बता रही हूँ आप वैसा लगाइए। और ये भी कह दूँ, इसको लगाने से मैं ये चीज कहूंगी कि आपके फेस खाली क्लीन होगा। अगर आप सोचे कि गोरे हो जाएंगे तो गोरा देखिए कोई नहीं होता फ्रेंड, मैं एक चीज बता दूं, गोरा कोई नहीं होता। बस आपके जो चेहरे में ब्लैकपन रहता है, काले मतलब नोज के पास ब्लैक इट व्हाइट ही रह जाते हैं और आई के नीचे ब्लैकपन आ जाता है, हमारे रूमे हैं वो ब्लैक रहते हैं, इसकी वजह से हमारा फेस क्या होता है कि ब्लैकपन दिखता है। तो अगर आप कोई बोल देता है कि नहीं गोरे हो जाते, तो गोरा कोई नहीं होता फ्रेंड, मैं एक चीज बता दूं, खाली आपका चेहरा ये सब क्लीन करता है, आपके चेहरे से जो दाग धब्बे हैं वो चीज हटाता है, उसकी वजह से आपका चेहरा बिल्कुल चमकने लगता है, तो इसी वजह से आपका चेहरा गोरा दिखने लगता है। और ये सब प्रॉब्लम की वजह से हमारे फेस में जो धूल मिट्टी जो आ जाती है फेस पे, उसकी वजह से हमारा चेहरा डाउन होने लगता है। जैसे ड्राई स्किन होती है तो ड्राई स्किन में देखेंगे कि कितना खराब लगता है चेहरा। तो उसके लिए घरेलू रूटीन अगर आपको सूट करे तो आप यूज कीजिए, अगर घरेलू रूटीन आपको सूट नहीं करता तो नुकसान भी नहीं करेगा। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसको बनाने का तरीका, मैं बताती हूँ कि कैसे आप ये मास्क को बनाएं और 20 मिनट तक अपने फेस पे लगाए रहें। मैंने इस मास्क को 3 बार लगाया, 3 बार में मेरे फ़र्क आया है, आप देख सकते हैं। और मैंने खाली अपने चेहरे को वॉश किया है, तो काफ़ी मेरे वीडियो में आपने देखा होगा यहाँ यहाँ मेरा कुछ ज़्यादा ही दिख रहा था, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं गोरी हो गई हूँ, खाली मेरा चेहरा एक क्लीन हुआ है तो उसकी वजह से साफ दिखता है। और जो यहाँ पे आई के पास सिकुड़न सी आ जाती है उसकी वजह से हमारा चेहरा डाउन होने लगता है। तो ये सबको ये सब लेप दूर करते हैं। अगर आप सोचें हम गोरे हो जाएं तो गोरा कोई नहीं होता, जो इस जो कलर है वो आपका कलर रहेगा, लेकिन स्किन में फ़र्क आएगा। जब स्किन में फ़र्क आएगा तो आपका चेहरा खुद अपने आप ग्लो करेगा। तो चलिए मैं बताती हूँ इसको बनाने का तरीका। तो इसके लिए एक मैं कटोरी लूँगी, मैं प्लास्टिक की कटोरी इसलिए लेती हूँ क्योंकि फूटने का डर भी नहीं रहता, इसलिए मैं कांच की नहीं रखती। तो चलिए, और इस कटोरी पे मैं ली हूँ चावल का आटा। आप चावल जानते हैं, अगर आपके पास आटा नहीं है तो आप चावल को घर पे पीस सकते हैं, तो ये चावल का आटा है। तो इस चावल को आटे को मैं एक कटोरी पे इतना ले लूँगी, आप अपने चेहरे के हिसाब से लीजिए जितना आपके चेहरे पे फेस पे लेप बन सके, मास्क बन सके। और इसके बाद आटे के बाद मैं इस कटोरी को रख दे रही हूँ, ये नारियल का तेल है, ये नारियल को तेल को मैं एक चम्मच मैं जो मैंने आटा लिया था 1 चम्मच इसमें मिला दूंगी ऐसे। और फिर इसके बाद ये एलोवेरा जेल है, मेरे पास अभी है, इसमें है तो मैं दूसरा नहीं खरीदती हूँ फ्रेंड, तो अभी मैं इसी से काम चलाती हूँ, अभी है मेरे यूज करने लायक, इसमें है मेरे पास रखे हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा फेंकती नहीं हूँ कि थोड़ा सा बच गया तो मैं आउट कर दूँ, जब तक पूरा ख़त्म नहीं हो जाता काट काट के उसे यूज कर देती हूँ। तो इसमें मैं एलोवेरा जेल लूँगी 1/2 चम्मच। तो ये देखिए फ्रेंड, 1/2 चम्मच मैंने एलोवेरा जेल इसमें मिला दिया। ये 3 चीज़ हम इकट्ठा मिक्स कर लेंगे, एक लेप बन जाएगा और इस लेप को अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं थोड़ा सा पानी डाल के, नॉर्मल पानी डाल के इसको अच्छे से मैंने थोड़ा सा पानी डाली हूँ, ज़्यादा नहीं, और इसको मैंने लेप की तरह बना लिया। एक ये देख सकते हैं आप, एक लेप की तरह इसको बना लिया। अब मैं इसको एक अपने फेस पर अप्लाई करूँगी, अपने फेस पर ऐसे अप्लाई कर लूँगी एक ब्रश, अगर आपके पास ब्रश है तो और अच्छा, नहीं है तो आप उंगली की मदद से आप इस लेप को लगा सकते हो। मैं पूरे फेस पे इस लेप को लगा लूँगी। तो फ्रेंड, मैंने जैसे कि बताया कि आप अगर कहें कि हम गोरे नहीं हुए, तो खाली ये चेहरे को क्लीन करता है, जब आपका चेहरा क्लीन हो जाता है तो आप ऑटोमेटिक गोरे दिखने लगते हो। जो हमारे चेहरे पर रुएँ होते हैं, आप देखते हो हम ब्लीच करते हैं तो वो भूरे हो जाते हैं, ब्लैकपन होते हैं, जो रुएँ होते हैं तो वो भूरे हो जाते हैं, उसके वजह से हमारा फेस क्या होता है, गोरा दिखने लगता है, एक चमकने लगता है, तो उसकी वजह से लगता है हमारा चेहरा ग्लो कर रहा है। जब आपके चेहरे पे दाग धब्बे नहीं होंगे तो आपका चेहरा खुद ही ग्लो करेगा। तो चलिए मैं पूरे फेस पे लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड, मैंने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया और अपने नेक पे भी अप्लाई कर लिया है, लेकिन मैं ये चीज़ बोलूँगी आप जरूर एक बार ट्राई करना, अगर आपको फायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा, जो भी आपके चेहरे में प्रॉब्लम है ये उसको दूर करेगा, तो जरूर ट्राई करना। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे 20 मिनट बाद, जब ये सूख जाता है, जब मैं आपसे 20 मिनट बाद अपने चेहरे का केयर दिखाती हूँ। ओके फ्रेंड।
देखिए ये मेरा सूख गया है और मैं जाके वॉश करके आती हूँ अपने फेस को और इसका रिजल्ट आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं सूख गया है, तो मैं वॉश करके आती हूँ। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड ये देखिए मैंने अपने चेहरे को वॉश कर लिया है और कोई भी लाइट नहीं है यहाँ पे कि लाइट लाइट तो अगर मैं ऐसे खोलूँ तब जलेगी मैं, लेकिन लाइट को बंद कर दे रही हूँ। और आप खुद देख सकते हैं कि पहले जब मैंने लगाया था तो मेरे यहाँ पे क्या चीज़ था और यहाँ क्या था, अब देखिए कितना अच्छा लग रहा फेस। तो ये देखिए फ्रेंड, तो मैं यही बोलूंगी फ्रेंड कि आप लोग जरूर एक बार ट्राई करिएगा और मेरे बताने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा और मेरा स्किन रूटीन कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा ये। ओके ओके, बाय बाय।